और आज मैं आपके लेकर आई हूँ कुछ होम क्लीनिंग टिप्स तो ये टिप्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है उनके लिए जिनके घर में है छोटे बच्चे मेरे घर में भी छोटा बच्चा है जो हमेशा खाता पीता है गिराता है सब कुछ फैलाता है लेकिन फिर भी मेरा घर ऑर्गेनाइज रहता है क्लीन रहता है तो रीज़न सिर्फ एक ही है कि आपको अपना घर रखना है एकदम ऑर्गेनाइज क्लीन रखना है और टाइम मैनेज करके चलना है अपने जो काम है उसको टालना नहीं है कि आगे करेंगे बाद में करेंगे टाइम मैनेज करके चलिए और हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखिए तो चलिए वीडियो एंड तक देखिएगा और एक भी टिप मिस मत करिएगा और जो बाद में आपसे हमेशा कहती हूँ वो फिर से कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना तो चलिए लेट स्टार्ट विद द वीडियो तो टिप नंबर वन है कि आप हमेशा एक क्लीनिंग बास्केट बनाकर रखें जितनी भी क्लीनिंग सप्लाईज़ होती हैं हमारी उसको एक ही बास्केट में अरेंज कर, कर रखें मैंने इसके अंदर कुछ क्लॉथ्स रखे हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स रखे हैं कुछ टाल्स रखे हैं कुछ सॉफ्ट तरह के कपड़े भी रखे हैं मैंने और इसके अलावा मैंने ये एक ग्लव रखा है डस्टर है ये इजीली इससे लैपटॉप वगैरह पे जो भी गैजेट्स होते हैं उनकी क्लीन हो जाती है डस्ट और मैंने ये भी रखा है लेंट रोलर भी रखा है यहाँ पर लेंट रोलर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आता है, होता है क्लीनिंग के लिए और ये एक मैंने स्प्रे रखा है यहाँ पर और मैंने एक होम मेड क्लीनर भी रखा है यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास इकट्ठी रहेंगी और घर में छोटे छोड़ छोटे बच्चे अलग अलग तरीके से फैलावा फैलाते हैं तो आपको ईजी रहेगा कि क्या चीज़ निकाल कर आपको फटाफट से क्लीन करना है सब नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक होम मेड ऑल पर्पस क्लीनर बनाएं इसके लिए मैंने डाला है एक कप पानी हाफ कप विनेगर और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है वन टीस्पून जितना और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पेपर एसेंशियल असेंशियल ऑयल कुछ ड्रॉप्स और कुछ ड्रॉप्स आप अपने फेवरेट असेंशल ऑयल की भी डाल सकते हैं मैं यहाँ लेवेंडर ऑयल डाल रही हूँ और थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डालना है बिल्कुल थोड़ा सा बस ये हमारा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑल पर्पस क्लीनर रेडी हो गया है तो घर में जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हमारे साथ बच्चे भी आ जाते हैं करवाने और पहले मैं दूसरा क्लीनर uh, यूज़ करती थी बाहर वाला तो लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें डली होती हैं उसके अंदर तो उससे हमें बचना चाहिए बच्चों को के साथ तो अगर आप ये सब इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे भी आपके साथ ये क्लीनिंग वाला जो प्रोसेस uh, होता है इन्जॉय कर पाएंगे और जो पेपरमेंट ऑयल एसेंशियल ऑयल होता है उससे आपकी स्पाइडर्स वग़ैरह चीटियाँ वग़ैरह दूर रहेंगी और जो ऑलिव ऑयल डाला है उससे जो आपका लकड़ी का फर्नीचर है वो हमेशा चमकेगा और हार्श केमिकल्स वुडन फर्नीचर पे यूज़ ना करें उससे जो है वुड खराब होती है नेक्स्ट आप वेट डस्टिंग भी कर सकते हैं वेड uh, डस्टिंग मतलब कोई भी गीला कपड़ा कर कर पानी से डस्टिंग कर लीजिए या फिर जो क्लीनर बनाए इससे कर लीजिए तो इससे जो डस्ट uh, है बहुत ईजिली रिमूव हो जाती है और अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो उनके लिए भी ईजी रहता है इस तरह से क्लीन करना देखिए कितनी सारी डस्ट इसने ईजिली रिमूव कर दी है इस क्लीनर ने क्लीनिंग रूटीन को डिवाइड करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेली क्या क्लीनिंग करनी है वीकली और मंथली बेसिस पे और मैं जो डेली क्लीनिंग करती हूँ ना वो मैं बस ऊपर ऊपर से करती हूँ सारी चीज़ें हटा हटा कर क्लिनिंग नहीं करती क्योंकि अगर आप एक एक चीज़ हटा हटा कर क्लिनिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी लगेगा और रोज़ घर की एक एक चीज़ हटा कर आप क्लीनिंग करेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और मन भी नहीं करेगा क्लीनिंग का तो डेली डस्टिंग को सिर्फ दस पंद्रह मिनट दीजिए उससे ज़्यादा मत दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके जो भी मेन मेन काम है आप उनको मॉर्निंग जब उठते हैं उसके दो घंटे के अंदर फिनिश कर लें जैसे कि लॉन्ड्री करना किचन काउंटर क्लीन करना सिंक क्लीन करना पूरे डिशेस क्लीन करना और अपने किचन को आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखिए कि जो आपको ना क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे और आप ज़्यादा थके ना उसको करने में क्योंकि किचन में बहुत सारे काम होते हैं हमें जितने भी बर्तन वॉश करे हुए होते हैं हमारी बास्केट के अंदर उनको उनकी जगह पर रखना होता है और भी किचन के तो पता नहीं कितने अनगिनत काम होते हैं तो आप अपना किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें जो कि आपके लिए सारे काम करने ईजी रहें और आपका बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगे उसमें तो कुकिंग के अलावा जो भी किचन के सारे काम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होते हैं पर आप अगर अपने किचन को सही से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो आपका टाइम और एनर्जी सेव होगा आपकी किचन लाइफ इजी होगी और आप प्रोडक्टिव रहेंगे थ्रू आउट द डे नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लीन एज़ यू गो मतलब जैसे अगर आपसे कुछ भी चीज़ गिर जाती है कहीं पर भी तो आपको उसे तभी के तभी क्लीन कर दें ये ना सोचे कि बाद में करेंगे क्योंकि बाद में वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है स्टेन और फिर उसको रिमूव करने में हमारा बहुत सारा टाइम लगता है और ऐसे ना धीरे धीरे दिर करके ना क्लीनिंग बढ़ती चली जाती है जो भी गंदगी फैल रही होती है घर में कहीं पर भी कुछ भी गिरे आप उसको तभी वाइप कर दें चाहे किचन हो या फिर फ्रिज हो या फिर कैबिनेट हो किचन के तभी के तभी क्लीन कर दें और जैसे ही आपके बर्तन सिंक में भरते हैं उनको भी आप तभी क्लीन कर दें रखा ना छोड़ें इससे घर क्लीन रहता है और जैसे इस रूम में जो मैं देखूंगी जो इस रूम को बिलोंग नहीं करती चीज़ें उसी भी मैं ले जाऊंगी तो इस तरीके से ना आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा आपको तो पता है बच्चे कितनी चीज़ें फैलाते हैं घर में तो क्लीन एज़ यू गो वाला रूल तो अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा घर अच्छे से क्लीन रहेगा हमेशा आप एक अपना क्लीनिंग टाइम सेट करके चलें कि इस टाइम पे आप फटाफट से क्लीनिंग कर सकते हैं जैसे मेरे लिए मॉर्निंग का टाइम सही रहता है अर्ली मॉर्निंग का टाइम क्लीनिंग के लिए क्योंकि उस टाइम पे जो मेरी बेटी है मेरी वो सो रही होती है तो मैं फटाफट से बहुत सारी क्लीनिंग उस उस टाइम पर कर सकती हूँ लेकिन जब वो जाग जाती है तो वह मेरे साथ क्लीनिंग में लगती है और मुझे ज़्यादा टाइम लगता है और मैं आपसे बोलूँगी कि लिमिटेड होम डेकोर रखें घर में क्योंकि वो जितना ज़्यादा होगा आपकी जो डस्टिंग क्लीनिंग है उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी और जो छोटे छोटे से शो पीसेज़ होते हैं ना उनको मत रखें क्योंकि उससे ना आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट होने लग जाओगे रोज़ रोज़ उनको साफ़ करने में रोज़ क्या अगर आप वीक में भी एक बार छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें साफ़ करोगे तो आप थकने लग जाओगे तो बड़े बड़े होम डेकोर अच्छी अच्छी चीज़ें रखिए घर में और कम से कम रखिए क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं उतना ही हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उन सबको साफ़ करने में और हमारा टाइम जाता है और बहुत ज़्यादा हमारा एफर्ट भी लगता है तो लाइफ ईजी रखने के लिए मैं आपसे बोलूँगी लाइफ ईजी एंड लाइफ स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप ये जो चीज़ें हैं ना इनको कम ही रखें घर में जितना कम सामान होगा घर उतना ही आपका क्लीन लगेगा और उतना ही आपका घर डी लगेगा अगर आप डेली क्लीनिंग करते हैं तो अपनी एक क्लीनिंग लिस्ट ज़रूर बना कर रखिए और उसमें डेली क्लीनिंग की लिस्ट अलग बनाइए वीकली क्लीनिंग की लिस्ट अलग बनाइए और मंथली क्लीनिंग की लिस्ट अलग बनाइए। तो इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और हमें याद रहता है कि हमने क्या क्या काम कर दिया है और क्या क्या पेंडिंग है और क्या क्या मेन सबसे ये है कि क्या क्या हमें नहीं करना है तो ये एक जो क्लीनिंग लिस्ट है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, है और इस लिस्ट के थ्रू हमारा जो घर है वो एकदम हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा और डिक्लटर्ड रहेगा और अपनी क्लीनिंग रूटीन को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करिए जैसे कि मुझे पता है कि जो मेरी बेटी है मीरा वो इतने बजे सोकर उठ जाएगी तो मुझे उससे पहले पहले ही सारी क्लीनिंग ख़त्म करनी है क्योंकि जब वो उठेगी तो मुझे अपना बहुत सारा टाइम उसके साथ स्पेंड करना है और जो भी लिस्ट आपने बनाई है मंथली डेली वीकली वाली तो इसको आप ऐसी जगह पर कहीं स्टिक कर सकते हैं जो कि आपको दिखती रहे आपकी नज़रों के सामने रहे इससे ये होगा कि अगर आप कुछ चीज़ मिस कर रहे होंगे तो वो आप लिस्ट में नज़रों के सामने रहेगी तो देख लेंगे और फिर आप उसको आप तभी के तभी कर सकते हैं और इस चीज़ से भी ना आपका घर क्लीन रहता है एकदम डोर मैट्स ज़रूर लगाएं घर पे स्पेशली एंट्रेंस पर घर की ज़रूर लगाएं और सिंक के नीचे भी किचन में आपको डोर मैट लगाना है क्योंकि आपको पता है सिंक से ही सारा पानी नीचे गिरता है वहीं पे कुछ कूड़ा वूड़ा का जो होता है वहीं गिरता है तो इससे आपका जो किचन है एकदम क्लीन रहेगा और वॉशरूम के बाहर भी डोर मैट ज़रूर रखें मैं किचन में बस बर्तन वॉश करते टाइम डोर मैट रख रक, रखती हूँ और वैसे मैं हटा देती हूँ पता नहीं मुझे क्यों कंफर्टेबल नहीं रखता खैर आप रख रक, जरूर रखेगा और हमारे घर पे हम हमेशा बिल्स ज़रूर इकट्ठे करके रखते हैं पेपर बिल्स और वो ना बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा होता चला जाता है बहुत ज़्यादा क्लटर लग रही है कैबिनेट अगर आप देखें तो तो इसको भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक अनवलप ले लिया काफ़ी पुराना अनवलप है इसके अंदर फ़ोटोज़ वग़ैरह थी तो इसी के अंदर मैं रख दूंगी तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज लगेंगी तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि हम सभी एटलीस्ट एक मंथ तक तो वन मंथ तक तो अपना बिल्स संभाल कर ही रखते हैं सब आप चाहें तो किसी फाइल के अंदर भी सारे बिल्स संभाल कर रख सकते हैं पर मैं ये अनवलप में रख दूँगी और काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगने लगी ये ड्रॉ इतना करने से ही ऑलवेज़ यूज़ कोस्टर्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप वुडन फर्नीचर पर कभी चाय का कप ऐसे मत रखिए क्योंकि आपको पता है वुडन पे जब निशान पड़ जाते हैं और फिर वो पक्के निशान हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से हटते हैं तो आप हमेशा कोस्टर्स यूज़ करें खाली ऐसे ना रखें टेबल पर वुडन फर्नीचर पर आप ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह और एक छोटा इजी वैक्यूम क्लीनर आप ज़रूर रखें घर पर आपको पता है कि वैक्यूम से छोटे छोटे पार्टिकल्स भी बाहर आ जाते हैं और बच्चे कितना खाना फैलाते हैं कारपेट पे पूरा और वो सोफ़े के अंदर तक गया वो होता है तो अगर हम डेली वैक्यूम से ऐसे कर देंगे क्लीन तो काफ़ी क्लीन रहेगा और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाइए घर के अंदर हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखिए अगर आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर कर रखेंगे तो आपके लिए ये क्लीनिंग डस्टिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी आपका घर ऑर्गेनाइज़ रहेगा तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहेंगे और घर का जो भी काम होगा क्लीनिंग से रिलेटेड वो आपका फटाफट होगा आपका टाइम बचेगा और आपका एफर्ट भी बचेगा सिर्फ किचन ही नहीं पूरा घर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखिए अपनी कबर ऑर्गेनाइज़ करके रखिए क्लोज़ेट ऑर्गेनाइज करके रखिए ड्रॉर कैबिनेट्स जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखिए और एक नो शू रूल तो ज़रूर फॉलो करें और आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये रूल फॉलो भी करते होंगे यही होता है मेन डस्ट आने का अंदर अगर आप वहाँ की डस्ट वहीं उतार देंगे बाहर तो आपका घर डस्ट फ्री रहेगा और वॉशरूम के लिए टू मिनट क्लीनिंग रूल फॉलो करती हूँ मैं जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं ब्रश के साथ ही ना ये वॉश बेसिन और जो ये मिरर है इसको मैं हैं हाँ, अपने ब्रश करती रहती हूँ और मल्टीटास्किंग करती हूँ ब्रश भी कर रही हूँ और ये भी मैं क्लीन कर देती हूँ तो जो वॉशरूम है उसको बस ऐसे ही क्लीन हो जाएगा और जब आप शार लेते हैं उसके बाद वहाँ पर शार एरिया में वाइपर मार दीजिए तो इससे जो आपका वॉशरूम है वो भी क्लीन रहेगा हमेशा डेली और आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए ये टू मिनट वॉशरूम क्लीनिंग रूल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बस दो मिनट में ही आपका जो वॉशरूम है एकदम क्लीन लगने लगता है सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स और आपको आज का वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आपको रेड बटन प्रेस करना होगा सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और साथ बेल में आइकन भी प्रेस कर देना जो कि मैं आगे जो भी वीडियोस अपलोड करूँ आपके पर्सन की नोटिफिकेशन आ जाए तो चलिए वीडियो मैं यही एंड करती हूँ एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए बाय